जो आप मैंगो की ग्राफ्टिंग देख रहे हो, इसको ग्राफ्ट करे हुए लगभग 12 से 15 दिन हो चुके हैं और इसमें ग्राफ्टिंग अपनी सक्सेसफुल भी हो गई है, इसमें नई पत्तियां आ गई है, ये देख लो। तो अब जो बारी है, अब अपन जो ग्राफ्टिंग करेंगे वो करेंगे 1 से 2 साल वाले पेड़ में। ये जो पेड़ था ये तो लगभग 1 से 1.5 महीने वाला पेड़ था, मतलब ये छोटा पेड़ था। अब जो बारी है अपने बड़े पेड़ पर ग्राफ्टिंग करने की, तो चलिए आज अपन बड़े पेड़ पे ग्राफ्टिंग करते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या टेक्निक्स है, कैसे कलम उसके बांधा जाता है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो पेड़ है अपना, इस पर मैं भी करने वाला हूँ ग्राफ्टिंग। ये देखो कुछ इतना मोटा जो इसका रूट स्टॉक है वो इतना बड़ा हो गया है, और मतलब 2 से 3 साल बड़ा ये पेड़ है। तो इस पर अपन अभी करेंगे ग्राफ्टिंग, और इस पर कलम जो बांधेंगे अपन वो मैं बांधने वाला हूँ कलमी आम की, जो कि बहुत ही टेस्टी है, मस्त स्वादिष्ट है, साइज़ में भी अच्छा खासा बड़ा होता है। तो चलो उसकी कलम लेके आते हैं और बांधते हैं इस पर। तो दोस्तों मैंने अपना कटर ले लिया हूँ अपनी सायन को काटने के लिए और ग्राफ्टिंग करने के लिए। तो इसकी जगह पे अपन ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान ये रहना चाहिए कि आपका जो ब्लेड या कटर है वो एकदम शार्प होना चाहिए, ताकि आपकी ग्राफ्टिंग में कोई इशू ना हो। जितना ज़्यादा शार्प रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, शार्प के साथ साथ क्लीन भी रहना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी फंगस वंगस या ऐसा गंदा नहीं रहना चाहिए, वरना अगर साफ़ नहीं है तो आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो फेल हो सकती है या उसमें फंगस भी लग सकता है। तो ये रहा अपना पेड़ कलमी आम का। सो यहाँ से मैं एक अच्छी सी सायन को है जो कट करके लाता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों ये वाली जो सायन है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है अपने को कि इसके पत्ते और जो सायन है वो एकदम हेल्थी रहना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी दाग या धब्बे या कुछ प्रकार के भी फंगस वंगस कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो एक हेल्थी वाली सायन अपने को चूज़ कर लेना है। तो अब जो अपनी कलम है इसको अपन वी शेप में कट कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके सारे पत्ते भी अपने को हटा देना है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से जो है वो अपनी जो कलम को है वी शेप में अपने को दोनों साइड से अच्छी तरीके से कट कर लेना है, और इसके सारे पत्ते भी कुछ इस प्रकार से हटा देना है अपने को। और अब बारी है इस पेड़ को कट करने की, मतलब यहाँ से जो है अपन इसको कट करेंगे। तो दोस्तों जब पेड़ को अपन कट कर रहे हैं तो उस पर ध्यान ये रखना है कि इसमें अपने को साइड पे जो इसका कवरिंग है उसको ही निकालना है, बीच में अपने को कट नहीं लगाना है, मतलब सिर्फ जो ग्रीन वाला साइड का कवर है बस उसको ही हटाना है। ये मेरा यहाँ से थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, तो ये ध्यान अपने को रखना है क्योंकि ये बड़ा पेड़ है, 2-3 साल का पेड़ है, तो इस वजह से इसमें बीच में कट नहीं लगाएंगे अपन, इसमें थोड़े से साइड में लगाएंगे। दोस्तों जब भी अपन बड़े पेड़ में ग्राफ्ट करते हैं, मतलब 2 से 3 साल वाले पेड़ में जब भी अपन कलम बांधते हैं, तो उसमें सबसे मेन बात यही रहती है कि अपने को जो कलम बांध रहे हैं उसको अपने को साइड से कट करके कलम बांधना रहता है। और जो छोटे पौधे में अपन बांधते हैं तो उसमें अपने को बीच में कट लगाना पड़ता है, पर ये पौधा बड़ा होने की वजह से जो कुछ इस प्रकार का हो जाता है, तो इसमें अपन सिर्फ साइड का जो ये ग्रीन वाला छिलका है सिर्फ इसको ही निकालते हैं, और उसके बीच में अपने को ये अपनी जो सायन है उसको सेट करना रहता है। बाकी प्रोसेस पूरी सेम रहती है, बस इसमें ही थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि अपने को जो सायन है उसको साइड में सेट करना पड़ता है। तो ये मैंने सेट करके अपनी जो टेप है वो लपेट के इसमें कैप भी लगा दिया हूँ। अब इसका रिज़ल्ट भी अपन देखेंगे 10 से 12 दिन बाद। तो भाइयों अभी के लिए इतना ही, आपको इसके रिजल्ट्स देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो 10 से 12 दिन बाद मैं एक और वीडियो इसकी अपलोड कर दूंगा कि इसका क्या हुआ, रिज़ल्ट अपना पास हुआ या फेल। तो इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही।